एक्ट्रेस सोनम कपूर अपनी फिल्म नीरजा के पाकिस्तान में बैन किए जाने की खबर से हैरान है। ये फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है जिसमें दिखाया गया है कि जब 1986 में कराची एयरपोर्ट से पैन एम फ्लाइट 73 को हाईजैक किया गया था तो किस तरह से फ्लाइट अटेंडेंट नीरजा भनोट ने अपनी जान की बाजी लगाकर विमान में सवार सैकड़ों लोगों की जान बचाई थी। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में इस फिल्म को इसलिए बैन किया गया है क्योंकि इस फिल्म में पाकिस्तान की गलत छवि दिखाई गई है। हालांकि सोनम का कहना है कि पाकिस्तान वो पहला देश था जिसने नीरजा को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया था। सोनम जो इस फिल्म में टाइटल रोल में नजर आएंगी चाहती हैं कि ये फिल्म दुनिया भर में रिलीज हो जिससे कि हर कोई ये फिल्म देख पाए और इससे प्रेरणा ले। But I hope that the distributors have been spoken to. Whatever I have read actually is that they've not even seen it in the censor board. But I just want you to know that Nija, Pakistan was the first one to give Nija the bravery award. She got the Tamga-e-Insaniyat, which is the award for incredible human kindness, and she also saved Pakistani lives. So I'm quite shocked by it, but I don't know if it's true or not because I have not got an official letter saying that it's been banned. I don't know if it's true. I hope it's not because my films do really well in Pakistan and I love Pakistan. My two of my best friends, they are half Pakistani and I really, really hope that this film is showcased all over the world. ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान में भारत की किसी फिल्म को बैन किया गया हो। इससे पहले भी एक था टाइगर, फैंटम और हैदर जैसी फिल्मों की रिलीज पर पाकिस्तान में बैन लग चुका है।